टॉपिक है ऑक्सीडेशन। लास्ट क्लास में हमने ऑक्सीडेशन का एल्कीन का ऑक्सीडेशन देखा था KMnO4, OSO4 एंड पैरासिड के साथ। उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। एल्कीन और एल्काइन का ऑक्सीडेशन फोर्थ है। उसका ऑक्सीडेशन का पार्ट है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस नाम से ही लग रहा है कि उसमें ओजोन होगा। यस, ओजोन कंटेनिंग कंपाउंड है। एक ओजोन कंटेनिंग रिएजेंट डालेंगे कंपाउंड में। तो ओजोनोलाइसिस के दो पार्ट हैं, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस एंड ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। रिडक्टिव का मतलब यहाँ पर रिडक्शन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन ही होगा, पर उसमें कम ऑक्सीडेशन हुआ तो रिडक्टिव, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ तो ऑक्सीडेटिव। तो रिएजेंट देख लेते हैं। रिडक्टिव में O3 के साथ साथ ZN होगा, जिंक, ये दो भी हैं, पर ये दोनों जो पार्ट हैं ये इतने क्वेश्चन में यूज़ नहीं आएंगे। सबसे ज़्यादा है O3 ZN H2O। इस पार्ट को देख लो, ये आते ही ओजोनोलाइसिस। कौन सा ओजोनोलाइसिस? रिडक्टिव वाला पार्ट। क्लियर? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में रिएजेंट O3 ओजोन तो है ही, बट यहाँ पे जिंक और ये वाले पार्ट नहीं है जिनके पास लोन पेयर है। क्या है? H2O या H2O2, ये दोनों कैसा पार्ट करेंगे? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस देखते हैं। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस का रिएजेंट क्या था? O3 ZnH2O। वेरी गुड। इस रिएजेंट को नंबरिंग दे देती हूँ 1 से, क्योंकि बार बार लिखने से बेटर है। मैं पे 1 लिख दूंगी, तो ये अंडरस्टूड है कि क्या है। ये रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस का पार्ट है, वो रिएजेंट है। करना क्या है? एल्कीन देखते ही देखा रिएजेंट ओजोनोलाइसिस, बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर देना है। बीच का बॉन्ड ब्रेक किया, कैंची से जैसे काट दो, तोड़ दिया। तोड़ने के बाद दोनों कार्बन के जो बॉन्ड थे तोड़ेंगे तो क्या करेंगे? इनको खुश करने के लिए एक लॉलीपॉप यहाँ, एक लॉलीपॉप यहाँ, दोनों को एक एक ऑक्सीजन दे देंगे। तोड़ा, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर। O NO, यहाँ पे जो R ग्रुप्स थे किसी को चेंज नहीं किया, R थे R एज इट इज़। ओजोन में 3 ऑक्सीजन यूज़ किए थे, एक यहाँ जुड़ गया, दूसरा एक लेफ्ट साइड में, दूसरा राइट साइड में। एक जो बचा है वो जिंक ने लेके ZnO बना दिया। एक ऑक्सीजन जो बचा था बहुत रिएक्टिव था, वो जाके यहाँ पे तूफानी मचा था, बट क्या किया जिंक ने, उसको उसके बॉन्ड बना दिया, उसको शांत कर दिया, वो रिएक्टिव नहीं है। एच लिया है, एच लेते ही ओजोन वाला पार्ट है, तोड़ेंगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन। बीच के बॉन्ड को ब्रेक करना है, कट करना है, दोनों जगह ओ लगा देना है। फिर देखो RR थे तो बना कीटोन, इधर भी कीटोन, इसमें H है, ये एल्डिहाइड, ये है कीटोन, दोनों साइड H है, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है, बीच के पार्ट को ब्रेक करना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन को देना है। यहाँ पे दोनों साइड हाइड्रोजन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें उस हाइड्रोजन से अभी मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं है मतलब? मैं फोकस कर रही हूँ, देख लो हाइड्रोजन है, रिएक्शन में हाइड्रोजन एज इट इज़ रह रहा है। ये बॉन्ड है टूट के O NO। कौन सा पार्ट था? रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। क्या था रिएजेंट बोलो दो बार? ZN O3 H2O। O3 के साथ क्या है? ZN एंड वाटर, वो था एल्कीन। अब ले लेते हैं एल्काइन पे। एल्काइन यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। रिडक्टिव में हमें सिर्फ 2 बॉन्ड को ब्रेक करना था, एक बॉन्ड एज इट इज़ तोड़ दिया, इधर भी दे दिया डबल बॉन्ड हो, इधर भी दे दिया डबल बॉन्ड हो। ये H था एज इट इज़, R था एज इट इज़, कोई चेंज नहीं। क्या रिएजेंट डाल रहे हैं हम लोग? ZN, मतलब O3 के साथ ZN एंड H2O। तोड़ा, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर। इधर वाला पार्ट कीटोन है, ये एल्डिहाइड। कीटोन कीटोन, इतना डिटेल में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही देखेंगे ये वाला पार्ट क्या करना है, ब्रेक करना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ब्रेक किया, इधर डबल बॉन्ड हो, इधर भी डबल बॉन्ड हो। तोड़ा, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। क्लियर? चलो ये एग्जांपल आप लोगों के लिए है, पॉज करके सॉल्व करो। एल्कीन ब्रेक करना है, एल्कीन ब्रेक ब्रेक। चलो फर्स्ट वाले में ब्रेक करते हैं, क्या बनेगा? डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे एच है, उसका कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे है एच,
आर वाला ये जो पॉइंट है ये हाइड्रोजन नहीं होता, जहाँ जहाँ पे छोड़ देते हैं वो अंडरस्टूड है, वो कार्बन है और हर कार्बन के चार बॉन्ड हैं। ये टूटा है यहाँ से डबल बॉन्ड हो, ऊपर वाला कार्बन एक साइड था सी एच थ्री, एक हाइड्रोजन इधर बनेगा डबल बॉन्ड हो। इस केस में साइकिल वाले को कुछ ब्रेक नहीं, जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ तोड़ के ओ देना है। क्लियर? फिर ये चार क्वेश्चन है आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए। इन सब में रिएजेंट O3 Zn H2O क्या है? ये ओजोनोलाइसिस। तो कौन सा ओजोनोलाइसिस है? ये रिडक्टिव। क्या करेगा? इससे पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड हैं, इनको ब्रेक करना है, ओ दे देना है, बस इधर ओ इधर ओ। इनके आंसर्स हैं, मैच कर लेना है। ऑक्सीडेटिव का दूसरा पार्ट लेते हैं, सॉरी ओजोनोलाइसिस का दूसरा पार्ट ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव का रिएजेंट क्या था? वहाँ जिंक नहीं था, जिंक को हटा दिया। जिंक रहता तो जो एक ओ बच जा रहा था उसको क्या कर रहा था? शांत। वो बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीडेटिव है। अब वो तो रहा नहीं, अब क्या करेगा? दो ओ रिएक्ट करेंगे, जो तीसरा बचेगा वो भी रिएक्ट करेगा। चलो चेक करते हैं, ये डबल बॉन्ड है, इसको तोड़ा, आर कार्बन आर, इधर बन गया डबल बॉन्ड ओ, इधर डबल बॉन्ड ओ आर। अब देखो जो ये वाला पार्ट ऑक्सीडेटिव है तो ये तो बीच वाला पार्ट तो सिमिलर है, तो कुछ ना कुछ तो ये अलग करेगा, तभी ये डिस्टिंग्विश कर रखा है रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव को। तो क्या करेगा? ये जो हाइड्रोजन है, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड था उस कार्बन का हाइड्रोजन, किसी और का नहीं, जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसका हाइड्रोजन, वो भी क्या रिप्लेस हो जाएगा? OH में, वो भी ऑक्सीडाइज। आर वाले नहीं ऑक्सीडाइज होंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगा। नेक्स्ट देखते हैं, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन नहीं था वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, राइट साइड वाले दो हैं हाइड्रोजन, दोनों ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और एक कार्बन पे दो OH क्या बन जाएगा? वहाँ बनेगा डबल बॉन्ड ओ। एक कार्बन पे दो OH नहीं रहते हैं, वाटर बन के निकल जाएगा डबल बॉन्ड ओ। यहाँ पे लेफ्ट साइड में है OH लगा देंगे दोनों हाइड्रोजन डबल बॉन्ड को, तो डबल बॉन्ड की वजह से तो मिलेगा ही, और हाइड्रोजन की वजह से भी मिलेगा OH। एक कार्बन पे दो OH, क्या कर देना है इसको? यस, वेरी गुड। यहाँ पे एक OH है, वाटर निकल नहीं सकता, डबल बॉन्ड नहीं बन सकता, वो एज इट इज। इसके बाद ये बन जाएगा, ये एज इट इज। ऊपर जो एग्जांपल थे वो एल्कीन का था, ये है आगे एल्काइन। और कौन सा ही ऑक्सीडेटिव बहुत ही ज़्यादा विग्रेस है, तो तीनों बॉन्ड टूटेंगे। रिडक्टिव में सिर्फ दो बॉन्ड तोड़ रहे थे, ध्यान देना है रिएजेंट पे, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तीन बॉन्ड है, तीनों को तोड़ते हैं, दो की वजह से मिलेगा डबल बॉन्ड ओ, एक और टूटा OH, ऑक्सीडेटिव है और ये ऑक्सीडेशन में पड़ रहे हैं, तो ऑक्सीजन देना है। आर को कुछ नहीं, दो बॉन्ड की वजह से डबल बॉन्ड ओ, एक बच गया OH, यस वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जांपल एल्काइन, तीनों बॉन्ड तोड़ना है, दो बॉन्ड से मिला डबल बॉन्ड ओ, एक से OH, राइट साइड में तीनों बॉन्ड टूटा, पर उसके साथ साथ हाइड्रोजन भी था। हमने देखा हाइड्रोजन भी रिप्लेस होता है, पाई बॉन्ड तो टूटेंगे ही, उसके साथ साथ हाइड्रोजन है वो भी टूटेगा। कौन सा हाइड्रोजन? जो डबल बॉन्ड से अटैच है। दो तीन बार इस वाले पार्ट को देख लोगे, रिवाइज कर लोगे, तो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। एक बार में ही सोचोगे कि कहीं यहाँ था कभी वो टूट रहा है, तो खुद को नेगेटिव बनाएंगे तो याद रहेगा ही नहीं। बी पॉजिटिव, ट्राई करो, मेहनत करोगे फल मिलेगा। तीनों बॉन्ड टूटा, OH हाइड्रोजन था तो भी OH, क्या बन जाएगा? एक कार्बन पे तो OH, डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, इधर भी डबल बॉन्ड ओ, दैट इज CO2।
ऑक्सीडेटिव दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस का रिएजेंट जिंक नहीं है, ओजोन के साथ पानी H2O2 दोनों रिएजेंट हो सकता है, ये तोड़ेंगे डबल बॉन्ड एंड हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन भी रिप्लेस होगा, दिस वन बोथ हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप, एक कार्बन पे दो OH है वो डबल बॉन्ड O बनेगा, तीनों बॉन्ड है तीनों ब्रेक होंगे, यहाँ पे तीनों के साथ हाइड्रोजन को भी रिप्लेस करना है, यहाँ पे R था जो रिप्लेस नहीं होगा, यहाँ पे H है यस, तीनों बॉन्ड ब्रेक, क्लियर हो गया है। तो ये वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है तो दोनों साइड से करना, ऑक्सीडेटिव भी और रिडक्टिव भी, दोनों ऑजोनोलाइसिस करो, फिर इन सब के आंसर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से मैच कर लेना है। अब तक हम तीन रिएजेंट पढ़ चुके थे, एल्कीन एल्काइन का ऑक्सीडेशन, एक यहाँ पे सॉरी चार पढ़ चुके थे, फिफ्थ वन है, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, KMnO4, KMnO4 एसिडिक मीडियम में या गर्म कर दिया है KMnO4 को, या NaiO4, ये सब क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे एल्कीन और एल्काइन को, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को, तो किस में ऑक्सीडाइज करेंगे, जस्ट सिमिलर टू द ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस जो अभी हमने पढ़ा था, बिल्कुल सेम, डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, यहाँ पे H है वो भी रिप्लेस होगा, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसी कार्बन का H है वो भी रिप्लेस होगा, यहाँ पे दो H है दोनों रिप्लेस हो जाएंगे, चेक करो आंसर मैच करेगा, तीनों बॉन्ड ब्रेक होंगे, जस्ट सिमिलर टू द ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, तीनों बॉन्ड को तोड़ना है, दो की वजह से डबल बॉन्ड O, एक की वजह से OH, और यहाँ पे इधर भी H भी रिप्लेस हो जाएगा, और एक कार्बन पे दो OH मिलके डबल बॉन्ड हो, क्लियर, ये टूटा डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे था R नहीं रिप्लेस होगा, हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, कौन सा हाइड्रोजन जो डबल बॉन्ड पे है, यहाँ पे O लिख दिया है तो अंडरस्टूड है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो ऊपर मेंशन है वही है, यहाँ पे कंसंट्रेटेड वर्म वही वाले का है, बस यहाँ पर लिख दिया गया है, डबल बॉन्ड टूटेगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, इसका मतलब यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, ये कार्बन है और इस कार्बन से दो हाइड्रोजन अटैच है, ये कार्बन ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडेटिव वाला पार्ट है तो ये हाइड्रोजन भी होंगे, तो एक कार्बन पे यहाँ मिलेगा OO, इधर भी OH, CO2 बनेगा, मैच कर लो, ट्रिपल बॉन्ड जस्ट सिमिलर, चलो ट्राई कर लेते हैं, ये बॉन्ड तोड़ा CH3 कार्बन, तीन बॉन्ड टूट रहे हैं तो एसिड बनेगा, दो टूटता तो कीटोन या एल्डिहाइड, ये बना एसिड, बाकी सारे हाइड्रोजन नहीं रिप्लेस होंगे, कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ तो नहीं है एज इट इज़, इस केस में CH3 CH2 और यहाँ पे तीन बॉन्ड थे, बन गया एसिड, और इस साइड ये OH और हाइड्रोजन भी था, ओह नो, हाइड्रोजन भी चला गया, इसका भी हो गया, ये भी हो गया सेक्रीफाइस ऑक्सीडाइज, तो एक कार्बन पे दो OH क्या बनाएंगे, ये डबल बॉन्ड हो, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड, तो क्या प्रोडक्ट बना हमारा, एक ये और एक ये, H2CO3 लिखा है तो ये भी रिपोर्ट कर सकते हो, पर इन दोनों में से एक ही ऑप्शन में होगा, क्योंकि H2CO3 बहुत अनस्टेबल होता है, ये टूट जाता है CO2 एंड वाटर में, क्लियर। अभी तक हमने देख लिया था एल्केन एल्कीन और एल्काइन के डिफरेंट, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एल्कोहल का देखेंगे कि कौन कौन से रिएजेंट हैं, थैंक यू।